दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेसिमोल एमएफ सिरप के बारे में और इसके कंपोजिशन के बारे में, कंपनी के बारे में, प्राइस के बारे में और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ में। आशा करता हूँ आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया दोस्तों तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेसिमोल अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी कंपनी के बारे में, तो इफ्का इसकी बनाने वाली कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ा इंडिया का ब्रांड है दोस्तों। बहुत सारी दवाइयाँ इनकी मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी दवाई ये बनाते हैं। और अगर मैं इसके प्रयोग के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ईच 5 ml कंटेंट के अंदर, इसके अंदर ईच 5 ml कंटेंट और पैरास्टामोल 250 mg इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और मेफमैनिक एसिड 100 mg इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि पैरास्टामोल एक बुखार को ख़त्म करने वाली दवाई है, बुखार को उतारने वाली दवाई है। तो बच्चों में सस्पेंशन है, बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है पेसिमोल एमएफ 250 mg। तो जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 4 से 5 साल तक के, उसमें इस्तेमाल किया जाता है 250 mg। छोटे बच्चों में 125 mg में ये कई तरह की सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं जो फीवर में काम करते हैं। और अगर बात करते हैं दोस्तों इसके प्रयोग के बारे में, तो छोटे बच्चों में फीवर में इस्तेमाल किया जाता है और टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर या कोई भी वायरल फीवर जो बच्चों में हो जाता है उसमें दिया जाता है। और फीवर की वजह से जैसे कि जॉइंट पेन हो जाता है, सर दर्द या कान में दर्द हो जाता है या अदरवाइज किसी भी वजह से सूजन, दांत में दर्द हो जाता है और किसी भी तरह के दर्द में इसे इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक और है दोस्तों ये। तो अगर बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो उल्टी का होना, लगातार ज़्यादा दिन तक यूज़ करने पर लीवर डैमेज हो सकता है यानी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। पीलिया की शिकायत भी इसमें हो सकती है या भूख ना लगना जैसी इसमें दिक्कतें हो सकती हैं ज़्यादा डोज इसकी इस्तेमाल करने पर। डोज के बारे में बात करते हैं, 4 से 5 साल से ऊपर के बच्चों में 5 ml दिन में 2 से 3 बार ये अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस्तेमाल कराया जा सकता है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा ये सिरप है और अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसके साथ में कोई एंटीबायोटिक, डॉक्टर लोग इसके साथ में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी तरह के फीवर में काम करता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।